रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी CBT 1 परीक्षा के परिणामों को जारी कर दिया है। इस परिणाम को क्षेत्रवार जारी किया गया है। सभी रीजन के रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट परिणाम से नाखुश नजर आए। रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्र ट्विटर पर #RRB/NTPC/scam के साथ ट्वीट कर रहे हैं और रिजल्ट को नाइंसाफी बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 35,000 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। पहले चरण की परीक्षा के बाद लगभग 8,00,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हर रीजन में खाली पदों के अनुसार 7 से 8 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने थे, लेकिन जारी हुए रिजल्ट में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की संख्या रीजन की रिक्तियों की तुलना में 3 से 4 गुना ही है। रिक्तियों के अनुसार शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स की गिनती तय मानक से भी कम बताई जा रही है। परीक्षा की कटाव भी बेहद ज्यादा है, इसको लेकर छात्र ट्विटर पर मीम भी शेयर कर रहे हैं। वहीं छात्र अब 16 जनवरी से ट्विटर पर कैंपेन चलाकर बोर्ड से रिजल्ट में सुधार करने की अपील करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।